आप सब निवेदन है कि आप इन पंडाल नमा ने बिराज दो, सब नीचे बिराज जीव थे त्रिवणावड़ी सभा में अनुशासन राखता हूं हजाबू आज इन धन्यवाद सभा में भी अनुशासन राखना है और आप नीचे बिराज दो। बिराजो बिराजो सब बिराजो देखे आलम बिराज श्री बाबूराम जी विष्णुपुर सरपंच, श्री बाबूराम जी मोहनलाल जी बिरडा मंच मत बधारो, बस्ती राम जी गोलिया डायरेक्टर भूमि विकास बैंक, दिलीप सिंह जी साहब पदर ठाकुर साहब, भगवान सिंह जी मंच मत पदर, हनुमान जी नाई शहन भगत, हनुमान जी मूलाराम जी गोदारा कहलावा, नानाराम जी गोदारा आदुराम जी मार्शल, मालाराम जी अमेदाराम जी वार्ड पंच, ओशिया विधानसभा क्षेत्र नव निर्वाचित विधायक सुश्री दिव्याजी मदेलनारो सापा पेराय और पंचायत समिति बावड़ी के सदस्य श्रीमती सीता देवी स्वागत करेगा। एड़ी कड़ी रमान इकोन किलारी माला श्री हनुमान राम जी गोदारा, जेटू सिंह जी, उत्ताराम जी भादू,
मनपोल जी बिश्नोई, सत्यनारायण जी गोदारा, खेमाराम जी भारी, रामनिवास जी भाकर, मिंजाराम जी भारी, शंकरलाल जी खिलाड़ी, सुखदेव जी राव द्वारा 51 खिलाड़ी माला पहनाए और 5 साल के बाद इन्हें विधानसभा में एक बहुत बड़ा दायित्व और भार सौंपी होगी। माला द्वारा स्वागत श्री भोराराम जी बीड़ा जिन नाम बोलू मैं पधारो, श्री हप्पाराम जी बीड़ा, खियाराम जी भारी, मालाराम जी भारी, कोऑपरेटिव अध्यक्ष अमेद राम जी भारी, दौलाराम जी भारी, हप्पाराम जी गोदारा, तुलसाराम जी पारसरिया, सियाराम जी खदाव, हनुमान राम जी सैन, बाबू राम जी पोरू सरपंच, मोहन राम जी किलरी, बीरबल राम जी, राजू राम जी मेघवार, करुणा राम जी मेघवार, फकीर राम जी भील, खत्ता राम जी भील, अक्का राम जी देवासी, शिबू जी सुनार, दुर्गा राम जी गवारिया, रूपा राम जी भील, नाम लिया जगह पदार और माला द्वारा स्वागत। अंधाराम जी गोदारा, आदू राम जी गोदारा कहलावा कोर, मूला राम जी गोदारा कहलावा कोर, नारायण राम जी सुतार कहलावा कोर, हमें माला महन भाई बहुत बड़ो मोटो गैस लगाए दिया है तो हम चिमनी आए तो एक मोह इकोन के लिए माला पहना दे मेरू लारे की री बोए दिन थेरी है सर हम बोल रहे हो बड़ी मत लाड़ी नाम की भोपाल चला गया।
ठाकुर श्री इंद्र सिंह जी निवेदन है कि आप माला द्वारा सुश्री दिव्या जी रो स्वागत कर। थोड़ी अलग भी ओशिया विधानसभा क्षेत्र नव निर्वाचित विधायक और किसानों के मसीहा सुश्री दिव्या जी मदेना, श्री बाबूराम जी पूर्व सरपंच कैलावा, मंच माता विराजमान सम्मानित नागरिक बंधु और उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गो, मातृशक्ति और युवा साथियों, लाला दिसंबर मायने एक राजस्थान रमायने बहुत बड़ा बदलाव रास्ते एक मुहिम चली और उन रमायना पर ओशिया विधानसभा क्षेत्र भी एक बहुत बड़ा स्थान रखती और उन स्थान ने ओशिया विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको विवेक आपकी होशियारी और आपकी बुलंदी आवाज सुश्री दिव्या जी मदेना ने ओशिया विधानसभा क्षेत्र राजस्थान विधानसभा सदस्य बिना और आप भेजे वास्ते आप हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज इन कड़ी मायने दिव्या जी मदेना जगह कांग्रेस समर्थक मतदाता समर्थक का कार्यकर्ता चाहे बूथ माता बनो एजेंट हो या कार्यकर्ता हो उन्हें धन्यवाद है उन्हें पधारिया कि आप मने कदम कदम मिलाए कंधा कदम मिलाए और दिव्या जी ने चिता ने भेजे वास्ते आपने धन्यवाद है उन्हें आया केलावा कोट और केलावल कल्लारी जनता और मतदाता आप कोई रात और दिन नहीं देखियो भूखा प्यासा हर टाइम हर घर घर ढाणी ढाणी जाए और हर मतदाता संपर्क कर और दिव्या दिन इन दोनों गांव जीतया और इन वास्ते आप रो आभार और धन्यवाद। आप उम्मीद रखा कि जो परम सदय परसों भी मदेना अपारी सेवा करी उन टेम आप भोपालगढ़ विधानसभा में महिपाल जी मदेना भी भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र रही और आपकी सेवा करी और पांच साल ओशिया विधानसभा रही और आपकी सेवा करी उन्हीं आशा सुश्री दिव्या जी मदेना ने एक बार ईमानदारी आपने परिवार बच्चे न मत चाल और हर गरीब और अंतिम छोर मत बैठे उठती रही चाल संभाल ले और सेवा करे और परिवार ने एक बार ईमानदारी चल रहा जातिवाद में विश्वास नहीं रखे जो वेश अधिकारी है पारी नकेल कसर मायने भी कोई कौर और कसर नहीं छोड़े मदेन साहब मैं छोटा था पढ़ते था कहीं जाता था मदेन साहब हंसते था कि मैं फोन करूं नहीं जन आग लो अधिकारी खड़े हो जावे जन माँ उले तो साहब बैठा पड़े कि बहु को मेरे को कुर्सी मिला रही है कभी जन मैंने फोन जन मैंने खड़ा हो जावे अरे खड़ा तो नहीं उड़ी दे उन अधिकारी मैं भी उन्हें खाल खाद छोड़ो क्योंकि जो अधिकारी बैठो बैठो फांदरों जवाब दे वो काम ही कोई नहीं करे उन कोई उम्मीद नहीं रहा आप खेत मायने खड़ा हो और मेहनत करा तो नहीं आप खेत और खलियान सुधरेला जो को अधिकारी खड़ा हो और प्रॉब्लम देला मैच में देला कोई अधिकारी उन फांदरों आदर करे।
आप उम्मीद रखा जीवे जीव पा उम्मीद पूरी वेला इन शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत जय कांग्रेस राम राम। अब आप सामने आपरा लाडला विधायक सुश्री दिव्या जी मदेला संबोधन फरमावेल। आज यहाँ आपकी ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी की धन्यवाद सभा में पंचायत समिति सदस्य सीता देवी जी, हनुमान राम जी गोदारा, जेठू सिंह जी, नाथ राम जी भादू, मनपुर जी, सत्यनारायण जी गोदारा, खेमा राम जी भारी, रामनिवास जी भाकर, वीरमा राम जी भारी, शंकरलाल जी खिलेरी, सुखदेव जी राव, भवरा राम जी बीडा, हप्पा राम जी बीडा, खिया राम जी भारी, माला राम जी भारी कोऑपरेटिव अध्यक्ष, उमेदा राम जी भारी, दौला राम जी भारी, हप्पा राम जी गोदारा, तुलसा राम जी पारसरिया, सिया राम जी अवदत, हनुमान राम जी नाई, बाबू राम जी पूर्व सरपंच, मोहन राम जी खिलेरी, वीरबल राम जी, राजू राम जी मेघवाल, करना राम जी, फकीरा राम जी भील, खट्टा राम जी भील, अरबा राम जी देवासी, दिलीप सिंह जी तंवर, शिशु जी सुनार, दुर्गा राम जी गवारिया, रूपा राम जी भील, अंदा राम जी गोदारा, आदू राम जी गोदारा, मूला राम जी गोदारा, नारायण राम जी सुथार, सम्मानित मंच, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गिरधारी राम जी झाजड़ा, भंवर जी जोड़ से वह सभा में विराजमान, पितातुल्य बुजुर्गण, युवा साथियों, माताओं और बहनें, मैं सबसे पहले कहना चाहती हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी की धन्यवाद सभा में आई। कांग्रेस पार्टी का वो कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का बूथ है जय, कांग्रेस पार्टी की ब्लॉक अध्यक्ष कमेटी का पदाधिकारी, कांग्रेस विचारधारा का आम जन, मैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने कांग्रेस के चिन्ह पर वोट लगाकर मुझे विजयी बनाया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसे देश के आजादी में बलिदान दिया, बरसों तक संघर्ष किया हिंदुस्तान को परिधान, हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, पराधीन भारत को स्वतंत्र भारत बनाया, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आहुति इस मिट्टी में मिली है। ये नेहरू और गांधी जी के सिद्धांत को बदलने वाली पार्टी है, ये परशुराम मदेना के सिद्धांत कांग्रेस के दल से जुड़े थे इसकी पार्टी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना योद्धा बनकर उतारा और इस रण में जातिवाद की राजनीति को नकार कर सब वर्गों ने अपनी बेटी मानकर मुझे वोट देकर विजयश्री दी, इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करने आई हूं। गरीब, पीड़ित, दलित, गांव का व्यक्ति, किसान, छत्तीस कौम में मुझे वोट देकर ओसियां की बागडोर अपने हाथों में दी। ये चुनाव करो और मरो का चुनाव था, ये चुनाव मारवाड़ की किसान राजनीति के अस्तित्व का चुनाव था, ये चुनाव सिद्धांत और मूल्यों का चुनाव था, ये चुनाव ईमानदारी का चुनाव था। और मुझे गर्व है कि ओसियां की संसद ने ऐतिहासिक मतों से सिद्धांतों के जीत दिलाई, ईमानदारी की जीत दिलाई, और मैं यहां से साफ कर देना चाहती हूं, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, माउथ मीडिया और जो भी लोग मुझे घेरना चाहते हैं, मैं जनता के आशीर्वाद से आई हूं, आपसे नहीं रुकूंगी। मैं इन 7 वर्षों में मैंने अपने सिद्धांतिक वजूद को समझौतों की भेंट नहीं चढ़ने दिया। मैं अकेली निकली थी, पंचायती राज में जिला परिषद का चुनाव लड़ा मैंने,
मैंने पंचायती राज से शुरुआत की थी, मैं अकेली निकली थी। अरे हूं एक पता बाप ने बाद में आता जो बीच में एक मारी हूं लो पता मैं आता हूं आप अकेली चली थी। आप लोगों का आशीर्वाद मिला, कदम कदम में काफिला बनता चला, कारवां बनता चला और मंजिल हमारी हो गई। 5 साल तक भाजपा के कुशासन की मार हमने झेली। 5 साल तक कोई उपलब्धि नहीं गिना सकते चौसिया के अंदर अपने राज्य सरकार। झूठे वादे मोदी जी ने किए इन 5 सालों में। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अपनी विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ी, बूथ पे लड़ी, गांव में लड़ी। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अपने ईमान को नहीं बेचा, वो इन परिस्थितियों से लड़ता रहा। वो हर एक गांव का आम व्यक्ति जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ अड़िग रहा उनको धन्यवाद देने आई। मुझसे पूछते हैं, मुझे घेरना चाहते हैं। मैंने तो नहीं देखा है कि कांग्रेस की सभा में भाजपा भी साथ बैठते हो फिर कांग्रेस को धन्यवाद देते। मैं त्रिकोणीय चुनाव में थी, सामने भाजपा का भी दल था, निर्दलीय भी थे और चुनाव मैदान में लोकतंत्र में पेटी मंड जो मेरे साथ रहे विकट परिस्थिति में जिन्होंने मेहनत की मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करने आई। आप कैसे आप हमारे को साथ में नहीं बिठाते, हमारा अपमान करते हो। अरे भैया तुम तो भाजपा में थे, मेरे पट काटने में थे, तुम तो मेरे गाड़ी घोड़े पैसे लगा रहे, मेरे को हराने में थे, हमको साथ मेरा अपमान करो साथ बिठाओ। अरे मैं तो उस व्यक्ति को जो 5 साल तक वो खरा आदमी उसको धन्यवाद देने आई। ये युवा जिनको मैंने कहा था युवा का वोट युवा के लिए, एक बेटी जिसके पिता उसके साथ नहीं थे, एक बेटी जिसके दादाजी का स्वर्गवास हो गया, ईमानदारी और मूल्यों पे लड़ने आई थी, ये सब युवा मेरी परछाई बनकर काम कर रहे थे। चुनाव तो मेरा था लेकिन 2 महीने तक इन युवाओं ने ना दिन देखी ना रात देखी, खाने का पता नहीं, घर नहीं जाते थे, एक एक वोट को उन्होंने रुखाला। मैं इन युवाओं को धन्यवाद अर्पित करने आई। जातिवाद से ऊपर उठकर हर जाति 36 लोग ने बुजुर्गों ने अपनी बेटी मानकर मुझे वोट दिया, मैं उन बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद देने आई। मैंने जिन मूल्यों पर चुनाव लड़ा था, मैंने कहा था सबसे पहला सूत्र ओसिया के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगी। मैं ओसिया के मतदाताओं को कि गाड़ी कमाई का पैसा अधिकारियों के हाथ में नहीं जाने दूंगी, मैं आपको विश्वास दिला। घोड़ी हो गए तो घोड़ी करने जावे जब फिर बार पीठ माती हूँ हाथ दर यू फेरे हाथ पता फिर घोड़ी की मोरी यू देखे तो घोड़ी ने ठा पड़ जा क्यों भी अटकल हो गए हाथ रखन दी मोरी खांचन दी के सवार है के अनाड़ी ठा पड़ जा क्या सवार है जब तो बाप अपनी घाटी नीचे रख के होर चढ़न दे ऐसे ठा पड़ जा के अनाड़ी है तो बाप बिद के चढ़न नहीं दे एंड चढ़ भी जाओ तो हेठी पटक दे। तो ओसिया की जनता ने मुझे विकास के इसके ऊपर बिठाया है, विकास की डोर दी। मेरे को सवारी करनी नहीं आती, भ्रष्ट अधिकारियों की नकेल कसनी भी आती है। कोई अधिकारी चाहे वो थाने हो चाहे बिजली विभाग हो चाहे तहसील हो अगर भ्रष्टाचार करेगा तो नोटिस मिलेंगे, चार्जशीट मिलेगी, कार्रवाई होगी, बांसवाड़ा और झालावाड़ जाएंगे, ओसिया में नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। दूसरा वादा मैंने किया था कि गुंडा राज ओसिया में नहीं पनपने दूंगी, अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होने दूंगी। ये जो थानों के साथ संलिप्त होते हैं ना अवैध दारू की गैंग, थाने वाले उसको पकड़ते नहीं है, दारू बेच के आधा हिस्सा थाने में आधा इनका,
दो नंबर के काम भू माफिया की गैंग पहले आई थी, जब ये मथानिया जुड़ यहाँ पे गैंग खड़ी रहती है, रात को लूट लेती है, पुलिस पकड़ती नहीं है, चोरी में उनका हिस्सा आता है, ऐसी किसी गैंग और थाने की हिस्सेदारी को नहीं पनपने दूंगी। मैंने तीसरी बात कही थी कि मैं माफिया के अंदर जातिवाद के जहर को खत्म करूंगी। जातियों ने 36 कौम ने मुझे बेटी मानकर वोट दिया, इसलिए 27,590 वोटों से जीत। इतना ऐतिहासिक वोट तभी मिल सकता है जब हर तबके ने, हर वर्ग ने, हर समाज ने मुझे अपनी बेटी मानकर वोट दिया। मैं जातिवाद की राजनीति नहीं होने दूंगी। जिन भी मूल्य और सिद्धांतों पर मैं चुनाव लड़ने आई, मैं उन मूल्य और सिद्धांतों पे चट्टान की तरह अड़क रहूं। मैं ओसिया के मतदाता के वोट के साथ विश्वासघात नहीं होने दूंगी, इसका वादा करती हूं। और अगर मैं कह रही हूं कि सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगी, तो सरपंचों को भी कमीशन नहीं खाने दूंगी, बात कह रही हूं। टाका बनिया को नहीं पैसे उठ गो अर्थ में कोई ही नहीं बावड़ी हटिया ही नहीं मुठ डाली नहीं खादा पड़िया इन पे उठा लिया, ये भी नहीं होने को, क्योंकि वो पैसा गांव के विकास के लिए आता है, जनता के विकास के लिए आता है, उसको वहां लगना जरूरी है। हैंगो काचा पर होवे नहीं कै गबला करी उड़ा सरपंच आ रहो ठीक है नहीं हैंगो काचा एंड आपरे स्वार्थवाद कटे कीरे पग दे सके की कर सके कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्यों पया तो खा लिया गबा गब गुड़ी तो कोई भाजपा है कोई कांग्रेस है कटे जान बैठ सके। मुझे मत घेरिए महिला सम्मान के लिए, मैं सिद्धांतिक राजनीति करने आई। कभी देखा है कांग्रेस की मीटिंग हो और भाजपा के नेता बैठे हो।